इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को शुरू से यूज करना किस तरीके से सीख सकते हैं। क्या फ्रेंड्स, आपने भी जो जस्ट नया नया अपना इंस्टाग्राम को अकाउंट का क्रिएट किया है और आप लोग जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ पाता है कि आखिरकार भाई साहब हम यहाँ पे किस तरीके से किसी के पोस्ट पे लाइक करें, किस तरीके से किसी पोस्ट पे कॉमेंट करें, या फिर हमें कोई अगर रील लगाना है अपने स्टोरी एंड स्टेटस उसको कैसे लगाएं, कैसे हम यहाँ पे किसी को मैसेज करें, कैसे किसी को हम फॉलो करें, कैसे अनफॉलो करें, किसने हमें फॉलो किया, कैसे चेक करें, सारा चीज़ मतलब यार हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जस्ट जो है न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किए हो और आप लोगों को जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। स्पेशल मैं ये वीडियो फ्रेंड्स न्यू इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बनाया, क्योंकि जो न्यू जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, जो न्यू इंस्टाग्राम का आईडी बनाते हैं, उन लोगों को यार कुछ समझ में ही नहीं आ पाता, बोलता है कि यार भाई हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग भी न्यू यूजर हो इंस्टाग्राम के तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, वीडियो स्किप करोगे तो फिर आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, फिर बोलोगे कि यार हम इंस्टाग्राम को यूज़ करना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, और वीडियो मेरा पसंद आता फ्रेंड्स तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलो अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम को किस तरीके से जो है शुरू से यूज़ करना सीख सकते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर स्टोरी, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे जो है स्टोरी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे वही स्टोरी आता है फ्रेंड्स जो आपने जो है फॉलो करके रखा है, जिसको भी आपने फॉलो किया है तो उसी का जो है यहाँ पे स्टोरी आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है टेक चैंपियन सपोर्ट एक यूट्यूबर है, तो इसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यह इसने जो स्टोरी लगाया वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। जैसे मान लो कि आपने जिसको भी फॉलो किया उस वाले स्टोरी को आप लोगों को लाइक करना। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से टेक चैंपियन सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और मान लो कि मैं स्टोरी को लाइक करने वाला, तो यहां पे मैं सिंपल से इस पे टैप करूंगा तो ये देख सकते हो ये स्टोरी पे हमारा जो है लाइक हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहां पे अगर किसी को भी फॉलो किए हो और उसका स्टोरी को लाइक करना है तो यहां पे आप लोग इसी तरीके से लाइक कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, यहां पे अगर मान लो कि आपको जो स्टोरी लगाना, स्टोरी लगाने के लिए फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हो प्लस का आइकन है, तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों को सारा चीज जो आपका गैलरी में जो भी फाइल रहेगा वो आ जाएगा। तो जो भी चीज आप लोगों को स्टोरी लगाना फ्रेंड्स, सिंपल से आप लोगों को क्या करना, इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए, जो भी स्टोरी लगाना, ये देख सकते हैं फोटो आ चुका है, इस तरीके से दोनों अंगुली से इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोगों को स्टोरी लगाना है तो आप लोग इस तरीके से क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग म्यूजिक भी लगा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो आपने गाने के साथ यहाँ पे म्यूजिक भी लगा सकते हो, जो भी म्यूजिक लगाना इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो म्यूजिक आ जाएगा, और यहाँ पे डन पे क्लिक करके आप म्यूजिक भी लगा सकते हो, देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे और यहाँ पे शेयर कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे स्टोरी लग जाएगा, ठीक है। तो स्टोरी लगाना तो आपने सीख गया। उसके बाद एक चीज और मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स मैसेज या चैट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैसेज बॉक्स का आइकन बनाया, तो इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप लोगों को सारा जो है आपने जितना भी फ्रेंड लिस्ट बना के रखा है सारा यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे भी आप लोगों को चैटिंग करना है सिंपल से उस पर एक बार इस तरीके से टैप कीजिए तो वो चैटिंग यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ से आप लोग जो है चैटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये चैटिंग हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों को आपका जो प्रोफाइल देखना है कि आपको किसने फॉलो किया, किसने फॉलो नहीं किया, या फिर आपको जो है किसने फॉलो किया, आपने किनको फॉलो किया, वो चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिख जाता है, यहाँ पे आपका अकाउंट का प्रोफाइल दिखता है और यहाँ पे आपका जो फॉलोअर्स वो दिखता है, और आपने जो किसको किसको फॉलो करके रखा है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाया जाता है कि आपने जो है किनको किनको फॉलो करके रखा है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मान लो कि अभी जो है किसी न्यू फ्रेंड को आप लोगों को जो है फॉलो करना है सर्च करके, तो सर्च करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो सर्च का आइकन है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जिसको भी सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूबर, कोई सा भी मैं यूट्यूब लिखता हूँ, ये देख सकते हो यूट्यूब इंडिया को, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं इसको यहाँ पे फॉलो कर लूंगा, तो इसके लिए फॉलो पे यहाँ के बटन है, अगर मैं इसको फॉलो करना चाहूँ तो यहाँ पे फॉलो का बटन है, तो हम यहाँ पे जैसे फॉलो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है फॉलो हो जाएगा। फॉलो होने के बाद यहाँ पे सजेस्टेड में काफ़ी सारे जो यहाँ पे और भी आ जाते हैं जो इसके कैटेगरी टाइप में है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ से आप लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो ये फॉलो हो जाने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे बैक आ जाओ। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है किस तरीके से जो है रील वीडियो को देख सकते हैं, रील वीडियो का सेक्शन कहाँ पे आता है जो मतलब वीडियो देखते हैं, तो रील वीडियो देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का चिन्ह बना हुआ है, तो इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में जो जितने सारे रील वीडियो आते हैं वो रील वीडियो ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी पोस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। रील को लाइक करने के लिए यहाँ पे डबल टैप कीजिए तो आपका रील जो है वो लाइक हो जाता है। यहाँ से आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, मान लो कि आपको यहाँ पे कोई रील जो है फ्रेंड्स वो आपको जो है पसंद आ गया, उसको आप लोग को स्टोरी एंड स्टेटस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, मान लो कि मुझे जो है कोई सा भी रील पसंद आ जाता है, मान लो कि मुझे ये वाला रील पसंद आ गया, तो स्टोरी एंड स्टेटस लगाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग सिंपल से शेयर वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो ऐड टू स्टोरी यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ देर तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद से ये हमारा जो रील है वो हमारे स्टोरी एंड स्टेटस लगने के लिए रेडी हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग जैसे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टोरी भी लग जाएगा। स्टोरी लगने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्रेंड्स देख सकते हो तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों कोई जो है फोटो को पोस्ट करना या फिर रील को आप लोगों को बनाना, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों कुछ यहाँ पे पोस्ट करोगे ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पर रहेगा। अगर आप लोगों को स्टोरी लगाना है या फिर स्टेटस लगाना है तो स्टोरी पर क्लिक कर देना है तो यहाँ से आप लोगों का स्टोरी एंड स्टेटस लग जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को रील बनाना है, रील बनाना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो रील के लिए आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जो रील को रिकॉर्ड कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग रील को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग जो लाइव जाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग लाइव भी कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम में लाइव करना है तो सिंपल से इस पर क्लिक करोगे तो आपका इंस्टाग्राम का लाइव भी होने लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप लोग को जो यहाँ पे कुछ सेटअप वगैरह करना होता है तो आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है और थ्री डॉट पर क्लिक करना होता है, और इंस्टाग्राम के जितने सारे भी सेटिंग्स का फंक्शन है वो यहीं से आता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आप अपने अकाउंट को जो है फ्रेंड्स प्राइवेट वगैरह सेटिंग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग जो है प्राइवेट या पब्लिक अकाउंट भी यहाँ से कर सकते हो। मतलब सारा सेटिंग आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अपने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को भी कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, फोटो में यहाँ पे कुछ अवतार वगैरह लगा सकते हो, सारा चीज अपने प्रोफाइल का फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारा चीज इंस्टाग्राम से रिलेटेड बता दिया कि कहाँ से क्या चीज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स।